हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं कोल इंडिया रिक्रूटमेंट में जो पर्सनल एंड एचआर की वैकेंसी आई है उसी के बारे में बात करूंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सनल एंड एचआर का पोस्ट जो है वो 89 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है 2017 के बाद। अभी कोल इंडिया ने 2019 में रिक्रूटमेंट निकाला है पर्सनल एंड एचआर के लिए। तो इस वीडियो में मैं सिलेबस, इससे रिलेटेड बुक्स आपको क्या पढ़नी है और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो जैसे आप जानते हैं 27th या फिर 28th फेब का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, तो लगभग आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है। तो इसमें आपको क्या कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी लेनी है प्रिपरेशन की, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। So this is the brief introduction about me. I have 7 years of teaching experience in both classroom and online. Cleared various PSU exams like NTPC, ONGC, SJVN, CIL, NMDC, banking, PO clerk dono, plus SSC, CGL भी मेरा clear हुआ है। NTPC मेरा first exam था जो मैंने first attempt पे ही clear किया था। साथ ही मैं NET and GRF qualified with paper code 55, labor welfare, जिस पे मेरे वीडियोस भी हैं, आप देखे होंगे इस चैनल पे। MBA HR फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी एंड LLB फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि टूटलेज एकेडमी का चैनल का टूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन भी है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब टूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेगा? तो जो भी फ्रेंड्स आप लोगों में से एचआर का प्रिपरेशन कर रहे, कोई भी पीएसयू का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी पीएसयू का सीआईएल के साथ साथ, प्लस कोई अगर लेबर कोड, लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 से नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कोर्सेज अपलोडेड है, सभी तो अभी नहीं है एप्लीकेशन पे, बट एचआरएम का कोर्स है, लेबर मार्केट है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब ये टॉपिक सारे नेट में कवर होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इनमें से आते हैं, एंड लेबर लेजिस्लेशन। तो ये टॉपिक्स पे मैंने कोर्सेस अपलोड किए हैं एप्लीकेशन पे। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगा, 1 जनवरी से अवेलेबल होगा। और स्पेशली ये टेस्ट सीरीज CIL के पर्पज़ से मैं बनाई हूँ, और मेरी जितनी भी एक्सपीरियंस हुई है इतने सारे PSUs को के एग्ज़ाम्स क्लियर करके, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चंस को मैंने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाया है, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज आप ज़रूर यहाँ पे परचेस करें। जो अमाउंट रहेगा वो बहुत ही मिनिमम है। आप जैसे ही टूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप एक कोर्सेज का आप देख सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सकें। तो टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत मिनिमम प्राइस में ही मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए और इस चैनल पे आप एक विजिट करके आपको ये सारा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पेपर वन होता है, पेपर जैसे स्कीम आपको पता है कि पेपर वन आएगा एंड पेपर टू है, ठीक है? तो पेपर वन में 4 सेक्शंस हैं, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। तो टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? तो ये जो पार्ट है ये स्कोरिंग होगा। जैसे इसमें अगर आपका रीजनिंग सही रहता है, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको इस चैनल पे रीजनिंग पे भी मिल जाएंगे वीडियोस, और न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर ये दोनों आपका सही, क्योंकि जनरल नॉलेज अवेयरनेस के बारे में मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वास्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो इसमें करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मेन जो आपको अपने स्ट्रांग बनाने हैं टॉपिक्स वो है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड साथ में आप इंग्लिश। तो इन सब के लिए आपको क्या रेफ़र करना है? रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप उठा लीजिए, बैंक का ले लीजिए, PO क्लर्क के लिए जो बुक्स आती है, या SSC की जो बुक्स हैं मार्केट में, ऑनलाइन वीडियोस आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रीजनिंग के लिए तो मैंने खुद अपलोड किए हैं वीडियोस, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके।
ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई भी बुक उठाइए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से है, ऑनलाइन वीडियोस देखिए, जनरल इंग्लिश की भी तैयारी आप एसएससी सीजीएल की बुक से कर सकते हैं, एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस के लिए तो वो पूरा है कि जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उसके बारे में पता चलेगा ऐसे, क्योंकि आप पूरी ज्योग्राफी पूरी हिस्ट्री तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इतने कम समय में, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सके उतने क्वेश्चन आप करिए, वो आपका मतलब हेल्प करेगा पेपर वन में मार्क्स लाने में। तो 100 मार्क्स में आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे वो बेनिफिट रहेगा। तो पेपर वन का मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी डिटेल सिलेबस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर टू पे। अब पेपर टू की बात करते हैं, जो हमारा एचआर डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, वहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर है। पहला तो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इंक्लूडिंग इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, जो एचआर का देखा जाए तो फर्स्ट या सेकंड टॉपिक होता है किसी भी बुक में। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्राइजल, इसमें जनरली क्या होता है, अप्राइजल जो मेथड होते हैं उसमें भी होते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स, इन सब पे होता है। कौन से मेथड में क्या क्राइटेरिया यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये सारा कुछ इसमें हम देखेंगे। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, लीव, ट्रैवल एट्सेट्रा पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने। कंपनसेशन एंड अलावेंस, पेरोल, रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन पे बात होगी। सेपरेशन, सुपर एनुएशन, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स एचआर के हैं, ठीक है। ले ऑफ पे क्वेश्चन आते हैं, रिट्रेंचमेंट पे आते हैं। मोटिवेशन देखिए ओबी के टॉपिक्स हैं, एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस, उसी तरह से ओबी का अगर आप दूसरा देखेंगे टॉपिक तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है। तो अभी हमने देखा ये एचआर के टॉपिक्स थे, राइट। इसमें अभी ओबी के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट, तो ये सारे ओबी के टॉपिक्स हो गए। अब देखिए वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंट फैसिलिटीज़ है, तो वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया बट यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, वहीं पे फैसिलिटीज़ दी हुई है कि एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, तो फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में यहाँ पे बात किया गया। सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये भी फैक्ट्रीज एक्ट और प्लस सोशल लेजिस्लेशंस जो है, जो एम्प्लॉय रिलेटेड, वर्कर रिलेटेड लेजिस्लेशंस हैं उस पर इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है। तो ये सारा इन लोगों ने अपने सिलेबस में कवर किया। अब देखिए बहुत सारे आपको सिलेबस मिलेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं पे भी सर्च करेंगे तो सिलेबस आपको मिलेगा एचआर का, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग डाला है। बट जो मैं ये सिलेबस बता रही हूँ तो ये एक ऑथेंटिक सिलेबस है, इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं कहाँ से ली हूँ, राइट। क्योंकि ऐसे आपको कहीं पर कोल इंडिया की साइट पर नहीं मिलेगा कि सिलेबस उन्होंने क्या रखा है एचआर के लिए। तो हम देखते हैं, तो इसमें और भी टॉपिक है जैसे कि डिसिप्लिन प्रोसीजर्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आईआर, ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट हैंडलिंग, जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ग्रीवेंस डिस्प्यूट हैंडलिंग में मतलब यहाँ पे हमें आईआर भी पढ़ना है, तो एचआर, ओबी, लेबर लेजिस्लेशन, आईआर एंड नेगोसिएशन, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग हम कहते हैं, नेगोसिएशन जिसमें होता है, मतलब यहाँ पे हमें ट्रेड यूनियन भी पढ़ना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। तो ये सारा कुछ इन्होंने सिलेबस में कवर किया। अब मैं आपको बता रही थी कि ये सिलेबस मैंने लिया कहाँ से, ये कोल इंडिया लिमिटेड का 10 जून 2011 का ये ऑर्डर है कोल इंडिया का। तो इसमें देखिए इन्होंने निकाला था सिलेबस फॉर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडर इन ईएनटी एंड पीआर डिसिप्लिन। तो देखिए अभी के लिए तो इन्होंने सिलेबस नहीं दिया बट मोस्टली पीएसयूज, सारे पीएसयूज में यही टॉपिक्स होते हैं। और ये तो आप बोलेंगे कि डिपार्टमेंटल सिलेक्शन के लिए, बट है तो पीआर एग्ज़ाम्स के लिए, एचआर के एग्ज़ाम्स के लिए ही है, और क्योंकि यही टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो ये एक सिलेबस ऑथेंटिक है कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे यही दिया है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रांसफ़र प्रमोशन लीव, ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड डिस्प्यूट हैंडलिंग, तो यहाँ से मैंने ये लिया था, ठीक है।
अब सिलेबस पे तो हमने बात की अभी, इसके बाद मैं बुक्स बताऊंगी कि बुक्स क्या रेफ़र करने। तो पेपर टू जो हमारा एचआर है सब्जेक्ट, इसके लिए बुक्स अवेलेबल। देखें मार्केट में बुक्स तो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है आपको, क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक के लिए बुक्स बहुत कम मिलेंगे। तो बुक्स जो मैंने पढ़ी है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अगर कोई बुक रेफ़र करना है तो वीएसपी राव बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें टेक्स्ट एंड केसेस दिए हुए, केसेस के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो बहुत अच्छी बुक है वीएसपी राव। आपको सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे एचआरएम के। ऑर्गेनाइजेशनल थेरी एंड बिहेवियर के लिए जो बुक मुझे अच्छी लगी है, बीपी सिंह एंड टीएन छाबरा की एक बुक है, तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सारे टॉपिक्स इसमें कवर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने जो भी एग्ज़ाम क्लियर किए इस बुक से मैं पढ़ी हूँ, क्वेश्चंस मैंने खुद इसी से तैयार किए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बता रही हूँ कि सारी बुक्स अच्छी है। तीसरा जो आईआर ट्रेड यूनियन या फिर लेबर लेजिस्लेशन के लिए बुक है वो पियर्सन की है। उसके राइटर जो है पीआरएन सिन्हा, इंदु बाला सिन्हा एंड सीमा प्रियदर्शनी शेखर है, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बुक जो मैंने बताया बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आपके पास टाइम जैसे 2 मंथ्स का ही टाइम है, तो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाए या पूरा बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट में जाना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और मार्केट में बहुत ही कम बुक्स है जहाँ पे क्वेश्चन बैंक दिया है, तो जो कैंडिडेट्स नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वो बुक्स भी काफ़ी लेते हैं। एचआर की बुक्स है, अरिहंत वगैरह की बुक है जहाँ पे एचआर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे नेट के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो वहाँ से आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जैक्ट वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टेस्ट सीरीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाई हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किए, वो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे 1 जन से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर परचेस कीजिए, मतलब आपके बेनिफिट के लिए कह रही हूँ कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ अगर आप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्लस हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्सेस है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी चैनल पे मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं, और आगे भी मैं एमसीक्यूज कोल इंडिया के पर्पज़ से अपलोड करूँगी चैनल पे। ठीक है, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।